देखिए 28 तारीख को किसान जागृति यात्रा पीपली से शुरू की थी और आज उसका कई जिलों से होते हुए करनाल में सीएम सिटी में समापन है। सीएम सिटी में आज कपड़े निकाल के किसानों ने प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री का पुतला फूका है। दो मांगों पे आंदोलन देश के अंदर चला हुआ है। ये राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर नीचे आंदोलन है जिसमें देश के 62 किसान संगठन शामिल हैं और दो मांगों को लेके है। एक तो जो बीजेपी ने अपना वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का, वो पूरा नहीं किया है और देश के किसानों में रोष है कि झूठ बोल के हमारे से वोट ले लिया है और अब वोट लेने के बाद धोखा दे दिया है किसानों को, तो वो रिपोर्ट लागू की जाए। और दूसरा है कि पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ़ हो। इस पे आंदोलन चला हुआ है। किसान जागृति यात्रा का समापन करने के बाद 9 अगस्त को जो क्रांति दिवस है, 9 अगस्त से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो आज़ादी दिवस है, 17वीं वर्षगांठ है आज़ादी दिवस की, 15 अगस्त तक किसान जेल भरो आंदोलन चलाएगा और पूरे देश में ये आंदोलन है राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर के।